वेलकम टू माय चैनल इंडियन जायका। मैं हूँ मिताली। आज हम बनाएंगे खिचड़ी, जो भोग का खिचड़ी होता है वो बनाएंगे। एकदम सात्विक है ये, तो वेज वाला ही है तो ये बहुत टेस्टी होता है। जब वेज खाना होता है या किसी भी पूजा हो या कुछ हो तो उसमें आप ये बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। कुछ अलग तरह के है ये, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हम लोगों को। तो मैंने ये जो मेजरमेंट कप है तो इसमें मैंने एक कप ये लिया है चावल, जो कि जो खीर बनाते हैं चावल थोड़ा अच्छा स्मेल वाला, वो चावल लिया है मैंने इसमें एक कप। और ये मूंग का दाल है जो इसी मेजरमेंट कप से मैंने हाफ कप लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ उसमें डालने के लिए। यहाँ पे हो गया आलू, फ्रेंच बीन्स और गोभी हो गया, और पीस और ये टमाटर मैंने कुछ काट के रखा है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें जो मूंग का दाल है उसको थोड़ा रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है उसको। अब देखिए ये पूरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब उसको हम लोग निकाल के अच्छे से धो लेते हैं। मैंने ये धो लिया है। अब इसको कढ़ाई में चढ़ा के इसमें 4 कप पानी डाल देना है। आप इसमें 4 कप मतलब इसी ग्लास से भी 2 ग्लास पानी डाल सकते हैं। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम लोग जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखा है उसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई के लिए थोड़ा ऑयल देंगे इसमें, थोड़ा अच्छे से ऑयल दीजिए क्योंकि वो वेजिटेबल्स जो है। देखिए ये वाला ऐसे ही आपका फ्राई होकर तैयार हो गया है, जैसे पूरा एकदम खुला खुला है। बॉईल हो गया है लेकिन ये सब गोटा गोटा है, ऐसा ही रखना है आप लोगों को। अब इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए अभी दाल हो गया है, ये दाल को पूरा नहीं गलाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं चेक करती हूँ, देखिए ये हाफ बॉयल हो गया है। अब उसमें हम लोग वो चावल को ऐड करेंगे, इसीलिए हम ये दाल को जल्दी इसको पहले हम लोग बॉईल करते हैं क्योंकि दाल थोड़ा सख्त होता है और ये जो चावल है ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसीलिए पहले दाल को आधा बॉईल करने देते हैं, उसके बाद ही वो चावल देते हैं, तो वो दोनों इक्वली बॉईल हो जाते हैं अच्छे से। अब इसमें पानी थोड़ा ऐड कर लेना है और 1 ग्लास, क्योंकि वो चावल ऐड करना है। अब इसमें थोड़ा सा इसको करके थोड़ा सा एक बॉईल आने देते हैं वो पानी को। अगर आपका पानी रहेगा बराबर रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, अगर पानी जैसे ज़्यादा रहेगा कढ़ाई में तो फिर आप ऐड करना ज़रूरी नहीं है, जब लगेगा तब ऐड कर सकते हैं। आप चेक कर लेते हैं, ये देखिए बॉयल आ गया है। अब इसमें हम लोग राइस को ऐड कर लेते हैं। मैं राइस को धो के यहाँ पे रखा है, वो जो राइस लिया था अब इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको बॉईल होने छोड़ देते हैं, अब मसाला रेडी करते हैं। देख लेते हैं मसाला क्या क्या इसमें लगेगा। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर,
एक टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक देख के देना है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी टर्मरिक दिया हुआ है। चिल्ली भी आप उसी हिसाब से दीजिएगा जैसे आप लोग प्रिफर करते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा दीजिएगा, नहीं तो फिर उसी हिसाब से लेना है। अब उसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए उसका। अब कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब तड़का लगा के हम मसाला रेडी करते हैं। तब तक वो चावल जो है वो उसको बॉयल होने देते हैं। अब उसमें ऐड कर लेंगे ऑयल, अब इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग ये सूखा लाल मिर्च, दो मैंने दिया है। इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। उसमें ऐड करेंगे ये काला जीरा जो है, वो प्लेन जो जीरा होता है वो सब हाफ टी स्पून करके दे रहे हैं। और ये जो है पानमूरी जो होता है सौंफ, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका खुशबू इसमें बहुत अच्छी है, खिचड़ी में बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने ये भर के एक टेबल स्पून ही दिया है पूरा, एक तेज पत्ता डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेते हैं। अब ये भून गया है, अब उसमें ऐड कर लेते हैं पेस्ट बनाए थे मसाले का, ये ऐड कर लेते हैं। मसाला भून गया है, अब उसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा चेक करते हैं। देखिए ये लेके तैयार है अभी। अब दाल चावल दोनों अच्छे से हो गया है, अब इसको बंद कर देते हैं। बंद करके उसको ढक के रख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला आगे से आपस में भूल जाए तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। अब ये मसाला हो गया है, अब ये रेडी है। अब ये मसाला को हम वो खिचड़ी में डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मसाला को इसमें डाल लिया है खिचड़ी में, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ज़रूरी होगा तो उसको ऐड कर लीजिए। अब इसमें जो ऐड होगा वो है और एकदम थोड़ा सा शुगर, हाफ टी स्पून के करीब, और एकदम भर के एक टेबल स्पून घी। मिक्स कर लीजिए घी और शुगर को। अब ये तैयार है, बहुत ही अच्छा एकदम प्रसाद जैसा खुशबू आ रहा है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। लास्ट में ये जो फ्राई करके हमने वेजिटेबल्स रखे थे उसको ऐड कर देना है इसमें। अब इसको सर्व कर सकते हैं, अभी बहुत टेस्टी दिख रहा है, बहुत टेस्टी भी बना हुआ।